साथियों, ट्रेनिंग के दौरान आपको सरदार पटेल जी के विजन, उनके विचारों से अवगत कराया गया है। सेवा भाव और कर्तव्य भाव, इन दोनों का महत्व आपकी ट्रेनिंग का अभिन्न हिस्सा रहा है। आप जितने वर्ष भी इस सेवा में रहेंगे, आपकी व्यक्तिगत और प्रोफेशनल सफलता का पैमाना यही फैक्टर रहना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि सेवा भाव कम हो रहा है, कर्तव्य भाव कम हो रहा है? ये बात, ये सवाल हर बार खुद को पूछना चाहिए, इवैल्यूएशन करना चाहिए। और कहीं इस लक्ष्य को हम ओझल होते तो नहीं देख रहे हैं? हमेशा इस लक्ष्य को सामने रखने का, इसमें न डाइवर्जन आना चाहिए और न ही डाइल्यूजन आना चाहिए। ये हम सब ने देखा है कि जिस किसी में सेवा भाव कम हुआ, जिस किसी पर सत्ता भाव हावी हुआ, वो व्यक्ति हो या व्यवस्था, उसका बहुत नुकसान होता है। किसी का जल्दी हो जाए, किसी का देर से हो जाए, लेकिन नुकसान होना तय है। साथियों, एक आपको एक और बात मैं समझता हूं शायद काम आ सकती है। जब हम सेंस ऑफ ड्यूटी और सेंस ऑफ पर्पज के साथ काम करते हैं, तो कभी भी कोई काम हमें बोझ नहीं लगता है। आप भी यहां एक सेंस ऑफ पर्पज के साथ आए हैं। आप समाज के लिए, देश के लिए एक सकारात्मक परिवर्तन का हिस्सा बनने आए हैं। आदेश देकर काम कराने और दूसरों को कर्तव्य बोध से प्रेरित करके, इन दोनों में काम करवाने के, इन दोनों तरीकों में आसमान जमीन का अंतर होता है, बहुत बड़ा फर्क होता है। ये एक लीडरशिप क्वालिटी है, मैं समझता हूं, जो आपको खुद में विकसित करनी होगी। टीम स्पिरिट के लिए ये एक अनिवार्यता है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज संभव नहीं है। इसे करना बहुत जरूरी है।